ड्रैगन के शिकार के लिए पीएम मोदी की मित्र राष्ट्रों की सेना तैयार। चीन पर हमले से पहले मित्र राष्ट्रों के तरकश में पहुंचे अजय हथियार। इजराइल भारत को देगा हेरॉन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें। अमेरिका से भारत खरीदेगा कॉम्बैट ड्रोन और 72,000 सिग 716 असॉल्ट राइफलें। ताइवान के युद्ध अभ्यास से डरा ड्रैगन। अमेरिका ताइवान को देगा पेट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 डिफेंस सिस्टम। चीन के पास ब्रिटेन तैनात करेगा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ। मालाबार युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने की खबर से उड़ी जिनपिंग की नींद। दुर्गम पहाड़ों से लेकर अनंत आकाश तक, विशालकाय ग्लेशियर से अथाह समुद्र तक, अभेद्य बंकर से लेकर पाताल में छुपी पनडुब्बी तक, बिगड़ायल चीन को सुधारने के लिए दुनिया के सबसे घातक हथियार तैयार है। अब जो उन्होंने हरकतें की हैं और लास्ट 2-3 महीने में आपने देखा है, एक तरफ कोरोना वायरस चल रहा है और दूसरा इन्होंने हर जगह पे अपने मोर्चे खोल दिए हैं। हमारे लद्दाख में देख लीजिए, वहां पर ताइवान, हांगकांग, वियतनाम के साथ उनके शिप को जाकर टक्कर मारना, फिलीपींस, तो ये सब चीजें अब एक माहौल पैदा कर रही हैं जिससे कि सारे ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये अब वी आर गेटिंग टुगेदर एंड वी विल फाइंड एन आंसर टू इट वेरी सून। चारों तरफ से अमेरिका चाइना के अगेंस्ट अटैक कर रहा है, जिसे कहते हैं डेथ बाय 1000 कट्स, और इंडिया को भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें क्लियर है कि ट्रंप चाइना को लाइक नहीं करता और उसकी हरकतों को टॉलरेट नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए अच्छा है, हिंदुस्तान के लिए अच्छा है कि अमेरिका हमको सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से। एंटी चाइना प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके चीन को चुनौती देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय यदि चीन को चुनौती नहीं दिया गया तो वो निकटतम भविष्य में जब कोविड-19 से वह निकलता है, और अभी जिस तरह से दलदल में वो फंसा हुआ है, जब निकलता है तो वो फिर इस मार्ग पे अग्रसर होगा और धीरे 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 पूरे 250 आइलैंड पे अपना कमांड कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयत्न करेगा। कोरोना फैलाकर पिछले कुछ दिनों में चीन ने जिस तरह से हदें पार की हैं, अब उसकी हद तय करने का वक्त आ गया है। दुनिया की बड़ी ताकतों ने चीन को चारों ओर से घेर लिया है। हांगकांग के मुद्दे पर अमेरिका और ब्रिटेन का गुस्सा सातवें आसमान पर है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। बिगड़ायल चीन को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मित्र राष्ट्रों की सेना ने पूरी रणनीति बना ली है।